गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर डिंपल सचिन दलवे। तो आज फिर हम एक छोटा सा व्लॉग शूट करने जा रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नथिंग स्पेशल, बट हाँ, जो भी घर में थोड़ा बहुत चल रहा है। काम तो ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, बिकॉज मैं सुबह शूट करना भूल गई। फिर सोचा जहाँ से बच रहा है थोड़ा बहुत वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वही सब मैं आपसे शेयर करती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ घर में, छोटे मोटे काम। बाकी काम तो हो चुके हैं, जैसे डस्टिंग, झाड़ू पोछा, कपड़े, ये सब तो हो चुका है। खाना वगैरह बचा है, चाय नाश्ता भी हो चुका है, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा छोटे मोटे करके क्या काम चलते रहते हैं। पौधे थोड़े सूख रहे हैं, इनकी मिट्टियों को थोड़ा सा ठीक किया है, क्योंकि जम जाती है ना मिट्टियाँ तो क्या होता है वो ग्रो नहीं कर पाते, थोड़े अंदर की तरफ हवा भी चाहिए होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि कोई शूट करने वाला होता नहीं है, खुद ही सब करना होता है। खाना मैं लेट इसलिए बनाती हूँ कि शॉप पे वो सुबह उठ चले जाते हैं जल्दी, फिर दोपहर में लंच के लिए आते हैं, तो उससे उसी टाइम भी बनाऊँ। थोड़ा सा गर्म गर्म खाना भी हो जाता है और इतनी जल्दी बना के रखना भी क्यों, क्योंकि हम दो ही लोग घर में हैं, दो लोगों को खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे में खाना रेडी हो जाता है। हाँ, आप लोग मुझसे सब लोग पूछ रहे हो कि आपकी मदर इन लॉ कहाँ है, आपकी ननंद कहाँ है, आपकी फैमिली कहाँ है, जो आप लोग आपके साथ रहते थे अब वो आपके साथ क्यों नहीं रहते। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस में रहते हैं। मैं यहाँ रहती हूँ और कुछ 10 मिनट की दूरी पर आप पैदल जाकर उनसे मिल सकते हैं, मतलब मैं जाकर मिल सकती हूँ, इतनी दूरी पर ही रहते हैं वो। अब वो मेरे साथ क्यों नहीं रहते मैं आपको बता देती हूँ उसका भी रीज़न। वो मेरे साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि जिस जगह पर हम पहले रहते थे अरविंदो कालंदी गोल्ड, वहाँ हम रहते थे, बट वहाँ पानी का उन सबकी बहुत सारी समस्या थी और वो सोसाइटी एकदम ऐसी, मतलब ऐसी सोसाइटी थी कि कुछ ऐसे चहल पहल में शांत एरिया, तो वो मेरी मदर इन लॉ को पसंद नहीं आ रहा था, बिकॉज वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ थोड़ी चहल पहल ये सब बनी रहती है। अब वो वहाँ पर 30 साल से रह रही हैं, तो वो एकदम से घर चेंज होना, फिर हमारे साथ शिफ्ट होना, तो वो उनको माहौल मतलब सूट नहीं हो रहा था, बीमार रहने लगी थी, सब कुछ ठीक था बट बीमार ज़्यादा रहने लगी थी, क्योंकि उनको आसपास का माहौल चाहिए अच्छा, बाहर का, घर का नहीं बाहर का। और सबसे बड़ी बात कि उनको हिंदी का भी प्रॉब्लम है, हिंदी भी ठीक से नहीं है, मराठी, और जिस एरिया में रहती हूँ सब लोग मराठी हैं, A to Z मराठी है। अब मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं मैं बताती हूँ, मुझे मराठी बोलनी नहीं आती। अब मेरे साथ अगर रहेंगे तो उनका मराठी चलेगा, मेरा हिंदी चलेगा, तो वहाँ पर भी उनका कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था, तो वो डिस्टर्ब हो रहे थे कि मैं इसके साथ रहती हूँ तो ये अकेली है। इसलिए वो वहाँ जहाँ पहले रहते थे वो हमारा खुद का घर है, वहाँ वापस शिफ्ट हो गए हैं। वो हमारा, वो रेंट का नहीं है, वो हमारा खुद का घर है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग बोलते हो आप रेंट पर रहते हो, रेंट पर रहते हो, हाँ मैं रेंट पर रहती हूँ, उसके भी कुछ रीज़न है। रेंट पर इसलिए रहती हूँ, दो दो घर हैं, खुद के दो घर हैं, पर एक घर को मेरे हस्बैंड ने पूरा गोडाउन बना रखा है, क्योंकि वहाँ पर शॉप का पूरा सामान शिफ्ट किया हुआ है।
ए टू जेड पूरा सामान। और जो दूसरा घर है नीचे, वहां पर कोल्ड रूम बना हुआ है क्योंकि फ्रोजन शॉप की शॉप है हमारी, सारा फ्रोजन का है, तो नीचे कोल्ड रूम है, तो कोल्ड रूम में सारा सामान फ्रोजन से रिलेटेड वहीं पर रहता है। ऊपर मेरी सासू माँ रहती हैं, मेरी जेठानी रहती है और उनका बच्चा। अब उस एरिया में जेठानी को भी पूरा मराठी का पूरा कन्वर्सेशन, वो मराठी है और एरिया भी पूरा मराठी एरिया है, वहाँ सब लोग मराठी हैं, तो उनको वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ फ्लैट में रहती हूँ तो फ्लैट में उनको डंस होना अच्छा नहीं लगना, और हम वहाँ साथ में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहाँ थोड़ी सी स्पेस कम है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस पर हमने गोडाउन बना रखा है। जैसे बिकॉज अगर गोडाउन रेंट से लेते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं उसका रेंट कम से कम 80-90 हज़ार जाता है, और खुद के घर में करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। और अगर हम रेंट से रह रहे हैं तो उसका यही रीज़न है कि रेंट, घर का रेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा 7-10 हज़ार दे सकते हैं, गोडाउन का किराया 80-70 हज़ार तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए हमने घर को पूरा नीचे गोडाउन कोल्ड रूम बना रखा है, ऊपर हमारी जेठानी जेठ जी उनके बच्चे और सासू माँ ये लोग रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे लड़ झगड़ के अलग हुए या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग साथ हैं, बड़े प्यार से हैं, आते जाते हैं, मिलते हैं, मेरी वो लोग केयर करते हैं, मैं उनकी करती हूँ, सब कुछ बढ़िया है। प्लीज़ ये क्वेश्चन करना बंद कीजिए कि आप क्यों साथ में नहीं रहते हो, पहले तो आप साथ में रहते थे, क्या हो गया, आपके सासू माँ का झगड़ा हो गया आपसे, या फिर वो आपको पसंद नहीं करते हैं, या फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, सब कुछ नहीं है, पूरी फैमिली मुझे पसंद करती है, फैमिली ने आगे मेरा घर जमवाया है, सेट करवाया है, मैं शांति से यहाँ रह रही हूँ, सब कुछ ए टू जेड चीज़ें यहाँ पर मुझे आ जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो अब हम कर लेते हैं थोड़े से बर्तन साफ। बर्तन साफ करने बताती हूँ बर्तन कितने हैं, ज़्यादा नहीं है थोड़े से ये, बट मुझे बेसिक में ना ऐसे बर्तन भरे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मैं थोड़े भी होते हैं ना तो फटाफट फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। थोड़े से ही बर्तन है बट अगर ये क्लीन करके खाना बनाऊंगी तो मेरे को शांति रहेगी कि हाँ बेसिक में बर्तन नहीं है, खाना बनाती हूँ आराम से। फिर खाना बनाने के बाद थोड़ा गेस्ट थोड़ा सा क्लीन कर दी नहीं, इसलिए सबसे पहले थोड़ा भी जो बर्तन होता है ना पहले मैं वो क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी, भरवा भिंडी मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी, पर भिंडी बहुत ही खराब आई है यार, बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी भिंडी है। तो जब क्या कर रही हूँ बीस से कट करके ही बना रही हूँ इस तरह से, उनको आधा आधा करके। जो छोटी है वो तो चलो ठीक है पर जो बड़ी बड़ी है उनको क्या करना पड़ेगा। सब लोग मेरे वहां से शादी में जाने वाले हैं, मैं नहीं जा रही, सब लोग जाने वाले हैं, मम्मी पापा निशु भाभी भैया। मॉर्निंग से शूट करती यार पर कर नहीं पाई, भरमा भिंडी बन रही है, आटा गूंद कर रेडी हो गया है, बस खाने की तैयारी चल ही रही है।
मेरा बनना स्टार्ट हो गई, स्टार्ट नहीं फिनिश ही होने वाली, थोड़ी सी और बची। बस खाना बन चुका है, भिंडी की सब्जी भी बन गई है, आलू भी बन गई है, थोड़े से चावल फ्राई करने बाकी हैं। लगा लेते हैं रोटी में घी। खाना बनकर रेडी हो चुका है, ये राइस, भरमा भिंडी, दाल, रोटियां। ओह फिर कितने बर्तन हो गए साफ करने के, बस बर्तन क्लीन करके फ्री, फिर जब वो आएंगे तब खाना खाएंगे। गेस्टन भी क्लीन हो चुका है, बर्तन भी क्लीन हो गए हैं, खाना वगैरह बनाकर घर के काम से मैं फ्री हो गई हूँ, वेट कर रही हूँ उनका, वो आएंगे तब खाना खाएंगे। अभी कॉल किया था बट बिजी जा रहे हैं, नंबर बिजी जा रहा है उनका। 12:30 हो चुका है, 1 बजे तक ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं, 1 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाकर बर्तन वगैरह क्लीन कर कर 1-2 बजे तक मैं घर के काम से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद थोड़ी वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ इंस्टाग्राम पर, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। जो भी मेरा डाइट है, दवाई गोलियाँ लेना, ये वो, रेस्ट भी ज़रूरी है जस्ट बिकॉज प्रेगनेंसी। तो रेस्ट करके शाम को 4 बजे 4:30 5 बजे मैं थोड़ा उठती हूँ, उठकर वही शाम की झाड़ू वगैरह, चाय और शाम के खाने की तैयारी, ये सब थोड़ा बहुत देर जाकर शॉप पर चली जाती हूँ अगर मन हो तो। अभी तक तो सिर्फ एक ही बार गई हूँ, बट हाँ मन हो तो जा सकती हूँ, उन्होंने बोला है तो आ जाया कर शॉप पर, क्या करती है। पर मैं इतना थक जाती हूँ, पता नहीं, दो ही लोग हैं, घर का काम भी उतना ही, पर घर बड़ा है ना तो झाड़ू पोछे में ही थक जाती हूँ। और मुझे जब से प्रेगनेंसी का हुआ है थकान बहुत जल्दी हो जाती है, जिस कारण मैं ज़्यादा कुछ तो बाहर वगैरह नहीं जाती हूँ, घर में ही रहती हूँ। बस घर के रिलेटेड जो भी काम है वो काम करती हूँ, और मेरा पार्लर है उससे रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत होता है वो करती हूँ, और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी काम करती हूँ मैं। अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर अदर कोई इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, कुछ भी कराना हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड भी सारे काम मैं करती हूँ। तो बस यही सब है, तो अब वो जब आएंगे आपका मैं आपसे शेयर करती हूँ। खाना खाकर 2 बजे तक फ्री। बन गया खाना, बन गया बन गया बन गया। कहाँ जा रहा है, कब कहाँ जा रहे हो? ब्लॉग बना रही हूँ मैं अच्छे से, मल्टीपल खाना लगा दे बेटा, ऐसे करके बोल। खाना कौन तू? अरे लगाना चल जल्दी। मैं लगा रही हूँ 2 मिनट।
प्लेट लेकर तो आई हूँ, प्लेट वो रखी उसमें डाल लेना। बाय बाय। ब्लॉग एंड कर लो, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। करो शेयर करो और आप दिख ही नहीं रहे हो अंधेरे में। चलवे जी बाय। तो ब्लॉग हम यहाँ एंड कर रहे हैं, खाना हो चुका है, वो भी शॉप पर हिडन जा चुके हैं। शॉप पर कोई नहीं था तो बहुत जल्दी से उन्होंने खाना खाया और निकल गए। वो मैंने जस्ट अभी खाना खाकर रुकी हूँ, अब ब्लॉग मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन इतना सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ तक भी आप लोगों की वजह से आई हूँ, तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।